हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट में हम देखने वाले हैं जीके के 33 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो आप इस टेस्ट को पूरा एंड तक लगाइए। 33 में से आप कितने सही कर पाते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से आपको डेली ऑनलाइन टेस्ट की वीडियो, साथ ही साथ मैं तो रीजनिंग की वीडियो भी मिलती रहे, तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आपके पास डेली नोटिफिकेशन पहुंचना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो से कुछ फायदा होता है, अगर वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज एक लाइक जरूर करिएगा। अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप और अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा ताकि दूसरे स्टूडेंट की भी हेल्प हो सके। दोस्तों, जितनी भी वीडियो अभी तक अपलोड हुई है ऑनलाइन टेस्ट की, मैंने उनकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है, वहां से जाकर आप वो सभी वीडियोज देख सकते हैं। आपको हर एक क्वेश्चन में 5 से 6 सेकंड दिए जाएंगे। उस 5 से 6 सेकंड में आप उस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? बस आपको इतना बताना है कमेंट बॉक्स में कि ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा राइट है। दोस्तों बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में सूती वस्त्र उद्योग का पहला कारखाना कोलकाता में कब खुला? यह भी ध्यान रखिएगा कि कोलकाता में खुला था, पर किस सन में खुला था यह आपको बताना है। बिल्कुल सही है, दूसरे का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1818 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, केरल के तट को कहते हैं? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मालाबार तट। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में चलने वाली पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन कौन सी है? बिल्कुल सही, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, डेक्कन क्वीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मानव की प्रत्येक कोशिका में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? दोस्तों जो मैं आपको ये टाइम दे रहा हूँ बीच में, इसमें अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 46। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय रेलवे का संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो बिल्कुल सही दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो बिल्कुल सही है, 7वें का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 22 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 8, लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, रक्तालपता इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, रूसी क्रांति का प्रमुख सूत्रधार कौन था? तो बिल्कुल सही दोस्तों, 9वें का राइट आंसर बी हो जाएगा, लेनिन। क्वेश्चन नंबर 10, रबर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, क्रिकेट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मराकना स्टेडियम किस देश में है? बिल्कुल सही है, 11वें का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्राजील में। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो बिल्कुल सही, 12वें का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 24 दिसंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, बोरेलॉन्ग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो बिल्कुल सही, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कृषि क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 14, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो बहुत सही, अगर आप ऑप्शन बी लगा रहे हैं, फुटबॉल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, सबसे पुरानी रेलवे सुरंग किस रेलवे लाइन पर स्थित है? तो बिल्कुल सही, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कोंकण इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16,
विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, गोरखपुर। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी कौन सी है? तो बिल्कुल सही, अगर आप 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए लगा रहे हैं, विवेक एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर 18, केंद्र और राज्यों के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन सलाह देता है? तो बिल्कुल सही, 18 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वित्त आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, कोलार स्वर्ण खदानें किस राज्य में स्थित है? बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर टेस्ट आपको पसंद आ रहा है और स्पीड मेरी ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा नहीं है और कम भी नहीं है, तो लाइक कर दीजिए। अगर कुछ आपको लगता है कि चेंज कराना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 19 का राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, कर्नाटका में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण किसमें होता है? तो बिल्कुल सही है, 20 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अस्थि मज्जा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, यदि कोई वस्तु एक उत्तल लेंस से अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो बिल्कुल सही, 21 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फोकस पर। क्वेश्चन नंबर 22, कृत्रिम उपग्रह का प्रयोग किसमें होता है? तो देखिए, यहाँ पे टीवी के प्रसारण में भी होता है, खनिज की खोज में भी होता है, अंतरिक्ष की खोज में भी होता है, इसका मतलब ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा, उपरोक्त सभी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर भार के कितने भाग के बराबर होता है? तो सभी आंसर लगाइएगा, 23 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 1/6। अगर पृथ्वी पर 6 किलोग्राम की कोई वस्तु है तो चंद्रमा पर वो सिर्फ उसका भार 1 किलोग्राम ही रह जाएगा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 आपका, एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा है? तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्यूटेन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, सबसे लंबा रेलवे पुल किस नदी पर बना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई जरूर करिएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, सोन नदी पर। क्वेश्चन नंबर 26, पहली अंडरग्राउंड रेलवे कौन सी है? तो बिल्कुल सही, 26 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कोलकाता मेट्रो। देखिए, सबसे पहले जो मेट्रो चली थी वो कोलकाता में ही चली थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट 27 है आपका, नॉन स्टॉप सबसे लंबी दूरी की ट्रेन का नाम क्या है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, त्रिवेंद्रम राजधानी। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अम्लीय वर्षा निम्नलिखित में से किन गैसों के वायु में रहने के कारण होती है? तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रिक एसिड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, इंसुलिन की खोज किसने की? तो बिल्कुल सही है, 29 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बेंटिंग ने। क्वेश्चन नंबर 30, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में
अंतिम उत्पादक कौन सा है, सॉरी उत्पाद कौन सा है, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ग्लूकोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, संसदीय चुनावों में मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है? ये भी बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कानूनी अधिकार। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में किसे फादर टेरेसा के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अब्दुल सत्तार ईदी। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन, जो कि अभी तक कम से कम भी 30-40 एग्जाम में पूछा जा चुका है, द विंग ऑफ फायर के लेखक कौन है? और सभी को पता होना चाहिए इस बुक का। अगर आपने यहाँ तक टेस्ट को देखा है तो अपना कमेंट जरूर करिएगा आंसर, चाहे गलत ही क्यों ना करें, और कुछ भी कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, इनका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर है। आई होप कि आपने टेस्ट एंड तक लगाया होगा। आपका स्कोर क्या रहा है वो कमेंट बॉक्स में बताइए, टेस्ट कैसा लगा वो भी बताइए, अगर कुछ चेंज कराना चाहते हैं वो भी बताइए, और इन सभी के आंसर यहाँ पे मैंने दे दिए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं इसकी PDF डाउनलोड करके टेलीग्राम से। टेलीग्राम पे जाइए, टॉपिक स्टडी सर्च करिए, ज्वाइन कर लीजिए इस ग्रुप को, और वहाँ से PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप अभी तक टॉपिक स्टडी के चैनल से नहीं जुड़े हैं तो नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको दबाइए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए उसके बाद, और डेली नोटिफिकेशन लेना स्टार्ट करिए, ताकि आपको डेली प्रैक्टिस करें कुछ GK के क्वेश्चंस की, तो आपकी GK और भी मतलब मजबूत हो जाए, और आपके आपने एग्जाम में मतलब सफलता प्राप्त करें, अच्छा स्कोर करें। और फेसबुक टॉप पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, पर्सनल बात करना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के रिगार्डिंग, या कुछ भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पूछना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पे जाइए, SoramMalik17 के सर्च करिए, और यहाँ पर मैं आपको कुछ भी जो आप पूछेंगे उसका रिप्लाई करूँगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये जो मैं एफर्ट कर रहा हूँ आपके लिए GK क्वेश्चन डेली लाने का, ये आपको पसंद आ रहा होगा। पसंद आता है तो यार एक लाइक कर दिया करें, दोस्तों को शेयर कर दिया करें। फिर मिलते हैं कल 9 से 10 के बीच में, तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।